वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे साथ हैं शेफ मुनीजा। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बताइए, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश खुशबाश आई हूँ मैं आज, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी भी लग रही है माशाल्लाह। मैं रोज ही अच्छी लग रही थी सर। आप क्या मतलब आपका है निकलना बंद था सर? क्या कुछ कहा आपने? आवाज नहीं आई। ऐसी आवाजें थोड़ी सुनाई देती है। क्या कह रही है? ऐसी आवाजें थोड़ी सुनाई देती है। शेफ मुनीजा, मुझे आज आपसे बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। पूछिए। मुझे एक बात बताइए, जब भी बच्चों के स्कूलों में ये पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, आप इसमें जाती हैं? बिल्कुल। मैं अभी लेटली गया पेरेंट टीचर मीटिंग में, मुझे लग रहा था मैं किसी फैशन शो में आ गया। क्या मुझे सही लगा? बिल्कुल सही लगा यार, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना, क्यों, इसकी क्या वजह? अच्छा, इवन तो बच्चों में भी इस चीज का बड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि जब मैं भी पेरेंट टीचर मीटिंग से होके आती हूँ तो फिर मेरा बेटा बताता है, मम्मा उसकी मम्मा ने बोला कि इसकी मम्मा तो ऐसी लग रही थी, मम्मा उसकी मम्मा ने तो बोला उसकी मम्मा, मतलब लिटरली बच्चे तक ये चीजें नोटिस करते हैं। शमी जब मैं अभी स्कूल गया ना, तो मैंने जाके देखा, ऐसी एक जनरल परसेप्शन लोगों का भी देख रहा था, एक मतलब एक बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ एक गेट टुगेदर हो रहा है, क्योंकि पहले मुझे याद है जब पेरेंट टीचर मीटिंग मेरी होती थी, जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरी तो खौफ से जान निकली हुई होती थी कि घर आके अब्बा घर आएंगे और मार तो पड़ेगी। अच्छा, ये चीज पता है क्यों खत्म हो गई? एक चीज बहुत ज्यादा, टीचर्स का डर खत्म हो गया, टीचर्स की रिस्पेक्ट खत्म हो गई। ये हम पेरेंट्स ने ही किया है इस पर। आपने किया है? हाँ, मैं हो सकता है मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, लेकिन मैं तो इसकी, मैं इसको कहती हूँ अपने बेटे की कि भाई इसको तो सीधा कर दें, आप जैसे भी आपने सीधा करना है। मैं तो बोल के आती हूँ, मैं ऐसी माँ नहीं, मैं कहती हूँ बस आपने जैसे पढ़ाने पढ़ाए, मैं मुझे ये कुछ भी बोले मैं कुछ नहीं कहने हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें उसी तरीके से बड़ा किया था इस पर, अगर आपको याद हो तो। वो हमारे टीचर्स को अलाउ करते थे कि वो हम मतलब हमें प्रॉपरली ट्रीट करें। अब हमारे क्या होता है कि डर खौफ टीचर्स में पहले कि माँ बाप वीडियोस बना लेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, या फिर जो है इसके अलावा माँ बाप आके हमें बोलेंगे, अच्छा अब रिजल्ट पे आप जाओ। कभी भी टीचर्स बच्चों की बुराइयाँ नहीं करती है, कभी हमने नोट किया है? अब करती ही नहीं है। पहले की टीचर्स हमारी कितनी बुराइयां करती थी कि आपका बच्चा ये करता है, ये करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है ना, हाँ बेगैरत, ये इस तरह की बात है, तो सुनता रही है, बदतमीजी करता है स्कूल में, तो यही है अपने बारे में। अब नहीं होता, अब ये टीचर्स इस तरह कंप्लेन करती ही नहीं है, अगर वो करेंगी भी ना तो बहुत लपेट के और इस तरह करके आपको बताएंगी। तो ये चीज क्या आपको लगता है कि सही है? मुझे नहीं, शमरीजा मुझे लगता है कि बदलते वक्तों के साथ हर चीज की साइंस जो है वो भी चेंज होती चली जा रही है। बच्चों में बड़ी शय आ गई है, समझ रहे? जो हम लोग थे ना, हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और सब करते थे, अब वो बच्चे उस तरीके से नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले का जो एक टाइम था जब हम स्कूल जाते थे, तो मुझे लगता था कि हम स्कूल और घर इक्वल तरबियत कर रहे होते थे। आजकल मुझे लगता है हम सब कुछ स्कूल पे डाल देते हैं कि बस स्कूल चला जाए, घर में जैसे भी बच्चा बड़ा हो रहा हो, बड़ा होता रहे। खवातीन और आजाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज सिखाने का। बॉडी की एक्सरसाइज तो आप करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ब्रेन एक्सरसाइजेस करके दिमाग को शार्प करते हैं, लेकिन आज साइमा इरफान हमें सिखाएंगी कि फेशियल एक्सरसाइज कैसे की जाए जिससे आपका चेहरा तरोताज़ा और चुस्त रहे और चेहरे पर सैगिंग ना हो। तो चलिए चल के देखते हैं कि साइमा इरफान हमें फेशियल एक्सरसाइज में आज क्या सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा इरफान, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ और बहुत अच्छी टिप्स बताती हूँ, और इसी तरह से आज मैं आपको और हसीन होने का तरीका और वो चीज़ें बताती हूँ किस तरह से अपने आप को और हसीन बना सकते हैं। ये लोशन है, मेरे पास लोशन है, आप घर में कोई भी चीज़, आप लोशन है, ऑयल है, और
वेजलीन है उसको लेके आप इसी तरह से ये हाथ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, और अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके हाथ मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो ये आपने क्या करना है, अपने फेस में इस तरह से टैपिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन, आपका फेस, आपके जो है मसल्स, वो एक्टिव हो जाएंगे। और जो लोग, जो ख्वातीन जो अपने फेस को हसीन बनाना चाहती हैं, वो देखिए ये जब ये करेंगी तो यकीन करिए करते हुए उनको इतना अच्छा लग रहा होगा, फेस उनका फ्रेश हो जाएगा ये करते हुए भी। और जब और मज़ीद एक्सरसाइज करेंगी, जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बता रही हूँ, तो देखिए किस तरह से प्रेशर पॉइंट के थ्रू फेस को किस तरह से हम हसीन बना सकते हैं। ये मेरे हाथ मॉइस्चराइजर हो गए। इसी तरह से मैंने ये फोरहेड से यहाँ से आईब्रो के ऊपर से यहाँ से शुरू करना है मैंने, ठीक है। ये टिप्स, ये इस तरह से इसको प्रेस करते हुए मैंने यहाँ रखना है इस जगह पे, और टू फिंगर्स ऐसे रख देने हैं यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे आइस के, जहाँ आईब्रो ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे प्रेस करना है किस तरह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना कि आपको पेन स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल जेंटली इसको आपने क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, इस तरह से, और देन एंटी क्लॉकवाइज। ये करने वाले को ख़ुद फील हो रहा होगा कि कितना सुकून जो है मिल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये करते हुए। इसी तरह से वन फिंगर से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है इस तरह से, और यहाँ पे आके प्रेशर देना है, आईज जहाँ पे स्टार्ट हो रही है यहाँ प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, ये प्रेशर देने से आपकी एक तो आई साइट बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी आंखों में रोशनी बढ़ जाएगी, ठीक है ये। और फिर इसके साथ वापस इस तरह से लेके आएंगे और हल्का सा यहाँ प्रेस करेंगे, हल्का सा, ठीक है। ये आइस की जो है ये प्रेशर पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ये नोज़ है, नोज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, जिन लोगों की नोज़ थोड़ी सी कह सकते हैं कि शेप नहीं होती है, तो शेप में लाने के लिए क्या करेंगे, ये टू फिंगर से हमने यहाँ से प्रेस करना है, स्टार्ट करना है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको भी क्लॉकवाइज, वेल एंटी क्लॉकवाइज इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर यहाँ इसको भी हमने क्लॉकवाइज वेन एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। इसी तरह से ये लाफ लाइन है, यहाँ पे अपनी ये पूरी फिंगर आपने इस तरह से प्रेस करनी है, ये ये ये, और आहिस्ता आहिस्ता ये जहाँ पे आपकी ये चिक बोन है यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे प्रेस करना है। ये आपके फेस के मसल्स एक्टिव हो जाएंगे इससे, और आपका फेस बहुत अच्छा, बहुत ग्लो करेगा ये एक्सरसाइज करने से। और इसके साथ जिन लोगों की डबल चिन है उसमें क्या करेंगे, ये वी बनाना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इस तरह से किया, ये ऊपर इस तरह से ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड ये ऐसे। इसको आपने 10 टाइम राइट साइड, 10 टाइम आपने इसको लेफ्ट साइड से इस तरह से वी शेप बना के और इस तरह से प्रेस करना है नीचे से ऊपर की साइड पे, ठीक है। और इसी तरह से ये हाथ के ऊपर की साइड होती है यहाँ, इसको ये आप, इससे क्या होगा कि इससे आपकी डबल चिन ख़त्म होगी, जॉ लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी और फेस बहुत हसीन हो जाएगा। और ये नहीं करना आपने कि अगर एक दफ़ा कर लिया, दो दफ़ा कर लिया तो कहा कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं लगता, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये जितना आप कंटिन्यू इसको रखेंगे, हर रोज़ करेंगे, तो यकीन करें उतने इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसको एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, इसको आप कंटिन्यू करते हैं
तो ये इसका रिजल्ट मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी ये टिप्स, मेरी ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है और उनके साथ साथ उनके एक और बहुत ही बेहतरीन कारकुन मौजूद है। और ये एक बहुत ही शानदार अदारा है पाकिस्तान का जिसका नाम है नाउ PDP, जो कि पर्सन विद डिसबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। हमारे साथ है फातिमा जमील खान और जॉन सलीम। हेलो फातिमा, हाउ आर यू? कैसे आप? खैरियत से? कैसे हैं आप जॉन? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा फातिमा, नाउ PDP एक बहुत ही शानदार इदारा है। हम लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा इन ऑफ रहते हैं कि भाई बेहतरीन काम कर रहा होता है। अभी रिसेंटली हमने ये सुना कि आपने शिनाख्त कैंप जगह जगह लगवाया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। तो शिनाख्त बेसिकली एक हमारा एक पिलर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि एक स्पेशल CNIC, यानी आपका और मेरा एक रेगुलर CNIC होता है, बट स्पेशल CNIC हैज़ अ स्मॉल साइन ऑफ डिसेबिलिटी। उसके ऊपर एक डिसेबिलिटी का साइन होता है जिसका मकसद ये होता है उसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बाय प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप कोटाज में इनरोल हो जाएंगे, जॉब कोटाज में इनरोल हो जाएंगे, आपको एजुकेशन, हेल्थ आपकी जो है वो फ्री आपको मैनेजर की जाती है, आप डिफरेंट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स में इनरोल कर सकते हैं एक रजिस्टर्ड सिटीजन की तरह। एब्सोल्युटली। सो इट्स एनीबॉडीज राइट एंड इट्स ऑल्सो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसी हवाले से बगैर ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है और ये हर इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है एंड ये कम अज़ कम 12 से 14 हफ्ते एक रेगुलर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर जाएगा एक रेगुलर रूट लेंगे तो उनको 12 से 14 हफ्ते लगेंगे। लेकिन थ्रू दीज कैंप जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिसका डिपार्टमेंट SPDPA जो कि इस काम पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनाता है और उन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बायस जो है आप नादरा के थ्रू अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। तो हम इस कैंप में नादरा को, SPDPA को, हेल्थ को, सबको एक जगह रखते हैं, मर्ज करके लेकर आते हैं और ये प्रोसेस एक दिन और आपको आईडी कार्ड एक दिन में मिल जाता है। एब्सोल्युटली। बेहतरीन खवातीन हजरत, इस बारे में मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शोबे खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हैं फातिमा और जॉन और दोनों का ताल्लुक नाउ PDP से है। नाउ PDP एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करता है, उनकी ज़रिया माश को बहुत आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग देता है, उनको काम की तरफ लगाता है और उसके साथ साथ अभी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है जिसका नाम है शिनाख्त कैंप, जो कि सजावल में लग चुका है, कराची में करीब लगने वाला है। वहाँ जाके जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक दिन में अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जॉन से पूछते, जॉन आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? फर्स्ट टाइम मैं जब नादरा CNIC ऑफिस गया अपनी वालदा के साथ, तो नादरा CNIC ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आपको CNIC जो है नॉर्मल CNIC नहीं बनेगा आपका। तो मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि मैंने शुरू से जो है विदाउट पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो है जॉब की अपना जर्नी, लाइफ मेरी स्टडी उसके साथ ही रही, तो मुझे इतना पता नहीं था कि अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको जो है पर्सनल डिसेबिलिटी को डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया आगे ना सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या सर्टिफिकेट है और ये क्या, फिर मैंने पूछा पर्सनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, मतलब मजदूरी सर्टिफिकेट। मैंने आज तक अपने आप को पर्सनल डिसेबिलिटी कहा नहीं क्योंकि मेरे सारे काम इजीली हो रहे थे, तो मैं ये समझ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। तो ऐसे ही जॉब्स आती रहीं, तो जहाँ जाता रहा तो वहाँ यही आ रहा था कि आपका डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे। कितना अर्सा ये चलता रहा? ये तकरीबन फिर मैं डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नादरा अपने वहाँ पे गया सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से मुझे रेफ़र किया आगे रणछोली साइन पे, उन्होंने वहाँ पे मुझे एक बोला कि आप वहाँ पे जाएं।
फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे आगे रेफर किया टेक्निकल सेंटर में, ये है अपना स्टार, अपना फाइव स्टार चिरंगी की बैक साइड पे है, वहाँ पे उन्होंने भेजा कि वहाँ पे जाएं। और वहाँ ने, वहाँ से फिर मेरा प्रोसेस हुआ, तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट जो है ना अपना आयशा मंजिल है उसकी बैक साइड पर एक PCR ऑफिस है, वहाँ जाएँ। तो मैं मतलब यार ये डिसेबल सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे बहुत क्या अजाब है। और आप सोचिए कि आप तो फिर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम करते रहे नॉर्मल रहे, जो कोई अगर ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ के अंदर हो उसके लिए तो अजाब हो जाता है प्रोसेस, भाग दौड़। फिर उसके बाद क्या हुआ? सो नाउ लास्ट टाइम उसके बाद मुझे मेडिकल बोर्ड मतलब सिंध गवर्नमेंट ने एक डेट दी 25 तारीख को, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को आपने मेडिकल करवाना है, यहाँ पर आना है। और इतनी बड़ी लाइन, और आपको एक पता है कि हमारे डॉक्टर्स कैसे हैं, उन्होंने देख के उन्होंने बोला अभी बैठे हैं आप, तो मैं बैठा रहा, मैंने बोला चले मैं बैठ जाता हूँ। काफ़ी देर, तकरीबन उन्होंने 9 बजे का कहा और तकरीबन 1 बज चुका था, क्योंकि वहाँ पे 1 बजे के बाद वो जो है मेडिकल नहीं होते। तो डॉक्टर ने करने के बाद उन्होंने कहा 25 दिन के बाद जो है ना आपने वहाँ से रिसीव करना है, ये अपना PCR ऑफिस है हमारे यहाँ पे, ये ऑफिस है वहाँ से रिसीव करना है। मैंने बोला अच्छा, वहाँ पर भी गया तकरीबन, मुझे 25 दिन के बाद गया तो मुझे तकरीबन 10 दिन उन्होंने डिले कर दिया, बोले अभी तक नहीं आया, वो स्टैंप रह गई है। तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई एक डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए, तो मैं बहुत परेशान था और काफ़ी लोग, मैं परेशान था तो मेरे ऑफिस ही दूसरे लोग भी बहुत परेशान होंगे। ऑफ कोर्स हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी कि मेरा एक CNSE बनाने के लिए, मुझे डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इतनी स्ट्रगल की, और CNSE के लिए मैंने बोला बाद में मुझे CNSE के लिए भी बहुत ज़्यादा मसले होंगे। तो ना बहुत ज़्यादा जो है मेरी ये बहुत जर्नी थी ये एक डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाने, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। मुझे बताएं कराची में कैंप कब लग रहा है? सो कराची में हमारा 14th and 15th of March कैंप है, और इसमें कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हुएवर वांट्स टू रजिस्टर दे कैन स्टिल कम टू आवर ऑफिस। हमारा ऑफिस सदर में है, आप गूगल पे लिखेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप आएँ और जॉन के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, एंड वी विल प्रॉमिस दैट दिस इज गोइंग टू गेट डन इन वन डे। अच्छा, मेरी 9 PDP के दफ्तर है? बिल्कुल। अच्छा, तो कैंप जो है वो हमारे दफ्तर में ही लगेगा, यहाँ पे ये तमाम लोग अवेलेबल होंगे। तो जॉन को जिस तरह के बहुत टाइम लगा है हर जगह पे जाने के लिए, वो बिल्कुल कट डाउन हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन प्लेस। वेरी नाइस, यानी जितने भी अगर आपकी फैमिली में है या आप खुद अपना आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप ये भागदौड़ नहीं करना चाहते, जो कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ अभी जॉन सुना रहे थे, तो आप सिर्फ 9 PDP के दफ्तर जाइए 14 और 15 मार्च को और आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। फातिमा, वैसे मुझे बताएं ये इसके बाद कब लगेगा अगर कोई मुल्क से बाहर है या कोई? सो हम ऑफ्टन ये करते रहते हैं, वंस आप हमारे साथ कनेक्टेड होंगे हम आपको खुद ही बता देंगे कि हमारे नेक्स्ट कैंप्स कब होते हैं। हम ये खाली कराची या सुजावल में नहीं बल्कि पूरे सिंध भर में हमारा इस साल इंशाल्लाह प्लान है ये करने का, और हम ओवर 10,000 लोगों को इस शनाख्ती कार्ड कैंप्स के थ्रू रीच करना चाह रहे हैं। सो एनी टाइम आप हमारे पास अगर रजिस्टर्ड होंगे हमें आपका मालूम होगा, हम आपको खुद ही बता देंगे कि। तो अभी जो 9 PDP है वो सिर्फ कराची तक महदूद है? नहीं, सो 9 PDP एक्चुअली 3 सेंटर्स हैं हमारे, एक कराची में है इस वक्त, एक एक्टिव है सुजावल में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है इन सिंध, एंड एक हमारा ऑफिस इस वक्त इस्लामाबाद में भी रनिंग है। सो केटरिंग टू एंटायर पाकिस्तान थ्रू दीज लोकेशन, लेकिन अभी लाहौर और मुल्तान इन सिटीज में भी नहीं। सो उसमें हमारे पार्टनर्स के थ्रू हम जॉब प्लेसमेंट्स पे ट्रेनिंग्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि अगर बहुत सारे जिस तरह कोई डिसेबल पर्सन है लाहौर में या पंजाब में, इफ दे वांट टू एसोसिएट विद नाउ PDP उसका क्या तरीका है? बस हमारी वेबसाइट पर आएं या हमें कॉल करें, अपना डेटा हमारे पास रखवाएं ताकि हम आपको वेन एवर कोई भी पॉसिबिलिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी खाली कराची में या सुजावल में या इस्लामाबाद में नहीं है, हर जगह है, लाहौर में भी है, हमने पसनी में भी प्लेसमेंट्स कराई हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज कॉर्पोरेट से हम कनेक्टेड हैं, जॉब्स आती रहती हैं, तो जो भी है कोई भी अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे पास अगर रजिस्टर्ड होंगे तो हमारे पास उनका डेटा होगा। फॉर जैसे मैं अभी देख रहा था एक बर्गर जॉइंट है, फ्राइड चिकन जॉइंट है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, मैं वहाँ पे जितने भी उनके जो स्टाफ है उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को वो जॉब्स दी हुई हैं, वो इतने अच्छे पॉलिश्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं, वो आपको सर्व करते हैं, बात करते हैं साइन लैंग्वेजेस में, इट्स क्वाइट एन इंक्लूसिव थिंग टू डू। मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव और लोगों को भी लेना चाहिए। बिल्कुल 100%, एंड यस, एंड वी ऑफ्टन फाइंड आवर ट्रेनीज ओवर देयर, तो वो हमें देख के बड़े एक्साइटेड होते हैं, और साइन लैंग्वेज में उनको कोई बात करने वाला होता है, तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आल्सो फॉर एवरीबॉडी इज कि थोड़ा सा हाई हेलो, बिकॉज़ आजकल आपको वैलेस पे भी नजर आएंगे ये लोग, पेट्रोल स्टेशन पे नजर आएंगे,
किसी रेस्टोरेंट में नजर आएंगे, सो हेलो सलाम थैंक यू सीख लें एंड देन दैट्स गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। आपको लगता है फातिमा पिछले कोई 5 सालों में ये चीज बदली है? बिल्कुल 100%। आई थिंक मैं नाउ पीडीपी से 5 साल से एसोसिएटेड हूँ, मैंने वो चेंज देखा है। आई थिंक अब लोग ज़्यादा डिसेबिलिटी इंक्लूजन की तरफ काम करना चाह रहे हैं बिकॉज कोटाज जो हैं वो अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें स्पेशल इंटरेस्ट ऑल्सो रहा है प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हिज वाइफ हु हैव बीन एक्टिव लीडर्स ऑफ दिस एंड एडवोकेट करते हैं इस कॉज को, बट ना कि सिर्फ वो लोग। आई थिंक डिसेबिलिटी एक ऐसा कॉज है जिसपे किसी की कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हमने ये हर किसी को यूनाइट करता हुआ हमने देखा है। तो आपने अभी देखेंगे आप फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट साथ में जो है वो हमारे कैंप पे होगी, सो यू सी कोलैबोरेशन क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंक्लूड कर सकें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, लेकिन सही तरीका क्या है वो हमें सबको सीखने की ज़रूरत है। अच्छा जॉन, जब आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं या काम करते हैं, आपको कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लोग देते हैं या नॉर्मल बिहेव करते हैं? अभी तो जो है तकरीबन इस साल जो है मैं जो ग्रीन लाइन स्टार्ट हुई है तो ग्रीन लाइन वाले जो है देख लेते हैं कि पर्सनल डिसेबिलिटी है, वो पहली जो प्रायोरिटी देते हैं आपकी स्पेशल सीट है, आप स्पेशल सीट पे आके बैठ जाएं। अब स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, पहले वैसे ही था जैसे हम जा रहे थे धक्के और ये कोई उन्होंने उनको पता ही नहीं पर्सनल डिसेबिलिटी होते कौन है और विद डिसेबिलिटी, और इन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पहली बात है कि अवेयरनेस होगी तो हम लोग दूसरों की जो हेल्प आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए जो है ऐसे सेशन होने चाहिए कि विदाउट पर्सनल डिसेबिलिटी। आपने कब रब्ता किया नाउ पीडीपी से? मैंने जब मेरा डिसेबल सर्टिफिकेट बन चुका तो मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा और मैंने नाउ पीडीपी देखा, चेक किया, तो उसके बाद मैंने बोला चलें मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मूव हुआ तो यहाँ पे नाउ पीडीपी में आया तो उन्होंने भी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ये कहा कि आपका डिसेबल सर्टिफिकेट है, तो मैंने कहा फाइनली मैंने बनवा लिया डिसेबल सर्टिफिकेट तो मेरा है, तो इन्होंने फिर मुझे कहा तो आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैंने बोला मेरी लर्निंग प्रोग्रेस है मेरी तकरीबन इंटर चल रहा है, और उसके बाद मुझे इन्होंने कहा कि आपको कोई जॉब करनी है, तो मैंने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, उन्होंने कहा मुझे आपके पास एक महीना है, हम लोग कोशिश करते हैं आपकी CV जो है हमें फॉरवर्ड करें तो हम आपकी जो है टीपे ट्रैकर में ना जॉब करवाते हैं, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया टीपे ट्रैकर में, तो वहाँ मैंने तकरीबन 4 महीने काम किया और वहाँ पे मेरी जॉब जो है परमानेंट हो चुकी थी, तो फिर मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक नाजमाबाद से एक वहाँ से मूव करना कुरंगी पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक बहुत जाम थी, बहुत दूर है ना, बहुत ज़्यादा फार हो, उसकी वजह से फिर मैंने जो है नाउ पीडीपी से फिर दोबारा रब्ता किया, उनको मैंने कहा कि मेरे लिए एक ये है बहुत जॉब ढूंढे नई जॉब ढूंढे, तो उन्होंने मुझे फाइनली कहा कि हमारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है एज असिस्टेंट की कम्युनिटी आउटरीच में, तो मैंने आप इंटरव्यू आके दे जाएं, तो मैंने इंटरव्यू दिया तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा, और कम्युनिटी आउटरीच में मैं बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा हूँ, नाउ पीडीपी के साथ मुझे बहुत अच्छा जो है एक इंक्लूसिव माहौल मिला हुआ है और यहाँ पे मैं जो अपने फ्रीडम होके जो काम कर रहा हूँ ना तो इंस्टा लाइक अ नॉर्मल पर्सन, हाँ जैसे समझ लें कि नाउ पीडीपी में एक फ्रीडम होता है कि मुझे हर पर्सन से डिसेबिलिटी मुझे पता ही नहीं कि यार ये यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक्सेलेंट, बहुत ज़बरदस्त। ख़वातीन रज़ा 14 और 15 मार्च को कराची में नाउ पीडीपी के दफ्तर में ये कैंप लग रहा है, शनाख्त कैंप इसका नाम है, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ जाके अपना NIC बनवा सकते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स आप वहाँ से बनवा सकते हैं, NIC भी बनवा सकते हैं, और ये जो इतने 4-5 दिनों की हैसल होती है दफ्तर से दफ्तर भागने का जो चक्कर होता है ये नहीं होगा, आपको सिर्फ नाउ पीडीपी के दफ्तर जाना है और जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनका ये काम हो जाएगा 14 और 15 मार्च को। फिक्र मत करें, हम आपको बार बार इस चीज़ की याद दहानी कराते रहेंगे। फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया, जॉन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन और रज़ा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन रोज़ रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हेयर फॉल एक बहुत बड़ा मसला है, बाल गिर रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कमजोरी की वजह से, कुछ लोग कहते हैं आपको ये जो मौसम बदल रहा होता है इसके बड़े असरात होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि रोज़ाना अपने ऑफिस जाने की वजह से या काम की वजह से प्रोडक्ट्स बार बार सर में लगाते रहते हैं उस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल की बहुत सारी वजूहात होती हैं लेकिन हेयर फॉल हम रोक कैसे सकते हैं आज हमें बताएंगी हिना अनीस।
सालगुमेना गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कैसी हैं आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह गुड आप कैसे हैं बिल्कुल ठीक है ना बताइए हेयर फॉल कैसे रोका जाए सबसे पहले तो हेयर फॉल होने की वजह को पकड़ा जाए कि क्यों हो रहा है किस वजह से हो रहा है क्या कोई एनवायरमेंटल इशू है स्ट्रेस इशू है हार्मोनल इशू है विटामिन की डेफिशिएंसी है क्या इशू है क्यों हो रहा है उस चीज़ को देखा जाए स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है यानी आपकी सर की जिल्द पे कोई बीमारी हो रही है ख़ारिश हो रही है डैंड्रफ हो रही है या कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है ख़वातीन अक्सर हेयर केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं रिबॉन्डिंग करवाती हैं कलर ट्रीटमेंट करवा लेती हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल लगा रही होती हैं कि जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे शैम्पू यूज़ कर रही होती हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे होते और ऐसे शैम्पू यूज़ कर रही होती हैं जो आपके क्लाइमेट और आपके रीजन के हिसाब से नहीं बने हुए होते जब भी हेयर फॉल हो रहा होता है मल्टीपल रीजन होते हैं हेयर फॉल होने के अच्छा मुझे एक बात बताइए ना हेयर फॉल का बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैंने आपका ब्रश यूज कर लिया तो हेयर फॉल चीज़ है क्या ऐसा होता है बिल्कुल होता एक है दूसरे का ब्रश यूज करने बिल्कुल से। होता है सबसे पहली बात है ये और ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट असफर रेस किया कि अपना ब्रश अपना कंघा अपनी चीज़ों को सेपरेट रखें बिल्कुल होता है क्योंकि अगर आपको डेंड्रफ है मुझे डेंड्रफ लगेगी अगर आपको हेयर फॉल है आपका हो रहा है तो मेरा भी होगा तो अपने बालों की चीज़ें अपनी स्किन की चीज़ें ये सब कॉन्टीजियस होती हैं ये सेपरेट घर में रखें पूरी फैमिली है तो सबके अपने अपने एक एक ब्रश तो सब अफोर्ड कर सकते हैं और हर 3 से 4 महीने में एक हेयर ब्रश आपने चेंज करना है हर 3 महीने में एक हेयर ब्रश चेंज करना ही करना है अच्छा एक और चीज़ जो चूँकि अभी आप कह रही हैं कि कंटेजियस होती हैं प्रॉब्लम्स मैंने इतने सारे घरों में देखा है कि एक कॉमन बेसन होता है हाथ धोने का उसके बाद एक टॉवल अटक रहा होता है बिल्कुल उससे सब हाथ और मुँह साफ कर रहे होते हैं पूरा घर और वो कहते हैं अरे हमारे घर वाले ही तो यूज़ कर बिल्कुल और सब उससे आगे प्लीज के बारे में कुछ बताएं बिल्कुल ऐसा ही अच्छा ऐसा है कि हमने ये देखा है हम इतनी सारी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं अगर हम टिश्यू पेपर जो हैंड टॉवल के नाम से जो डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर हैं अगर हम अपने वॉश बेसिन के साथ उसको एक रख लें तो सब उसमें से एक लेंगे हैंड साफ़ करेंगे साथ में एक डस्टबिन रखें उसमें डस्टबिन में वो डाल के चले जाएंगे इसी तरह घर में जितने अफराद हैं उनके लिए एक मीडियम साइज़ का बाथ टॉवल अगर हम रखें तो सब अपने अपने नहाने के लिए वो एक तौलिया लेंगे और बच्चों की बड़ों की हस्बैंड की सबकी एक प्रैक्टिस बना लें कि अपना अपना टॉवल उन्होंने खुद इस्तेमाल करना है खुद अपनी लॉन्ड्री बास्केट में डालना है और दूसरा टॉवल खुद लेके जाना है ये एक प्रैक्टिस आपने बींग अ मदर बींग अ वाइफ बींग अ सिस्टर ये अपने घर वालों की एक प्रैक्टिस बनानी है छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत सारी बीमारियों से फ्लू से वायरसेस से इस तमाम सीजनल चीज़ों से आपके पूरे घर को महफूज रखेगी तो छोटी सी प्रैक्टिस आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता था एक मैं मिसेज जुबैदा तारिक अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे इतनी बेहतरीन उन्होंने बात बताई कि बहुत सारे लोग हैं जो घर में वाइट कलर के टॉवल्स देते हैं क्योंकि वो सस्ते आ जाते हैं आपको थोड़े से पैसों में रग कलर मिलता है बिल्कुल क्योंकि देखिए अगर आप है ना आपके टॉवल्स हैं तो सारे पिंक कलर के होंगे बिल्कुल आपके हस्बैंड के हैं तो वो ब्लू कलर के होंगे बच्चों के येलो होंगे तो 3-4 कलर के अगर आप कर लेते हैं तो वो फिर डेजिग्नेटेड हो जाते हैं यू नो कि वो आपका है वो उसका है वो इसका है वो सब ऐसा ही है और मैं आपको एक बड़ी टिप बताऊं आपने देखा होगा होटल्स में दुनिया के बड़े बड़े होटल्स होते हैं लेकिन वहाँ वाइट कलर के टॉवल्स क्यों होते हैं क्योंकि वो जैसे ही गंदे होते हैं वो स्टेन नज़र आता है तो अक्सर घरों में मेरे अपने घर में मेरे अपने बेटे का फेवरेट कलर है वाइट वो बेडशीट भी वाइट लेगा टॉवल भी वाइट लेगा उसको स्पॉटलेस चीज़ें बहुत पसंद है तो अगर छोटी सी प्रैक्टिस है कि अगर हम वाइट के साथ अगर देख लेंगे पिंक फ्लावर वाला वाइट वाइफ का हो गया ब्लू फ्लावर वाला हस्बैंड का येलो फ्लावर वाला बेटे का इसी तरह रेड फ्लावर वाला तो ये बड़ा एक अच्छा हो जाएगा कि जिसका गंदा होगा उसको पता चल जाएगा कि ये इसने गंद मचाया और उसे साफ करना है अगर जॉइंट फैमिली में बहुत सारी खवातीन रहती हो तो बर्तन भी इस तरह कर लेना कि ये है कि मैंने तुम्हारा बर्तन गंदा तो तुम ही धोगी अच्छा ये बहुत ये प्रैक्टिस पता है हमें हमें सफाई की आदत डाल देगी हम सबको और हम खुद ही बीमारियों से बचेंगे समझे बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा दवाइयों पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो ये खर्चा कितना कम हो जाएगा आप रोज की दवाइयां घर पे नहीं लाएंगे एक पैनाडोल कितनी महंगी हो गई आपको पता है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट अपनी साफ सफाई पे कर ले दवाई पे नहीं करें जब हेयर फॉल की बात कर रहे होते
और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घरों के अंदर जो खाने की चीजें होती हैं, लहसुन छील रहे हैं, सर पे मल रहे हैं, कुछ लोग हैं आंवला रीठा सीका काई को चूल्हे पे गर्म करके वो लगा रहे होते हैं, क्या सब आप ये जो रेमेडीज है क्या सबके लिए यकसा काम आती है? अच्छा, ऐसा है कि रेमेडी भी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। अभी जैसे मैंने बात के शुरू में यही कहा कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लें कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, सडन किसी विटामिन की डेफिशिएंसी, फ्लू के बाद, कोविड के बाद, मलेरिया के बाद, डेंगू के बाद, इन सब चीज़ों के बाद भी हेयर फॉल बहुत होता है क्योंकि मिनरल्स और विटामिंस आपकी बॉडी में फ़ौरन से कम हो जाते हैं। तो इसके साथ भी आपने अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को ठीक करना है, अपने विटामिंस को पूरा करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सही लेना है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की विटामिन नेचुरल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है तो उसको भी पूरा करना है, और उसके साथ साथ बायोटिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसको ठीक करना है, और सबसे अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वो भी ठीक करना है। प्रेगनेंसी में गिर जाते हैं डैंड्रफ, इचिंग और स्कैल्प पे बहुत ज्यादा है ना, एंजाइटी से बाल गिरते हैं, सोच से। अब मेरे साथ एक कॉलर है हिना फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। क्या सवाल है आपका? जी मैंने हिना से बात करनी है कि मैं आजकल मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा हेयर फॉल हो गया सारा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे बाल आएंगे और प्लस ये कि मेरा क्या वेट कम हो जाएगा आफ्टर कीमो? मेरी एज 57 है और इस एज में और मुझे वैसे भी थायराइड और ब्लड प्रेशर, तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ? और मैंने आपको थैंक यू भी कहना था कि आपने इंस्टा पे डाला था, इसलिए मैं आपको आसानी से कॉल करें। प्लीज आप जहां भी जाएं प्लीज डाल दिया करें ताकि हम आपको कॉल कर सकें और आपसे बात कर सकें। तो मेरे ये सवाल है और मेरे बाल आएंगे ये मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप मुझसे कांटेक्ट करें, पर्सनली मुझे डीएम करें तो मैं आपको और गाइड करूंगी। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आपकी कीमोथेरेपीज हो रही हैं कि फिनिश हो गई हैं? जी हो रही हैं। हो रही हैं, अच्छा ठीक है। कीमोथेरेपीज़ के बाद हम आपके और हेयर ट्रीटमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे कि जिसमें हम आपके प्लाज्मा थेरेपीज़ करेंगे, और मैं आपको ब्रेक के बाद जवाब देती हूँ। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो पे खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ है हिना अनीस। हिना, ब्रेक पे जाने से पहले हिना की कॉल आई थी इस्लामाबाद से। जी अच्छा, ऐसा है हिना कि जैसे ही आपकी कीमोथेरेपीज फिनिश हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपका हेयर ट्रीटमेंट भी आपका स्टार्ट करेंगे, आपका ओबेसिटी का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे, और आपके जो भी स्किन और हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट होंगे तमाम हल होंगे और आप अपनी नॉर्मल हसीन जिंदगी की तरफ दोबारा आएंगी। क्योंकि कैंसर से ना डरना नहीं होता, उससे लड़ना होता है। कैंसर को हम सब मिलकर हरा सकते हैं और आप माशाल्लाह इतनी ताकतवर हैं और जिस तरीके से आप उसका मुकाबला कर रही है ना, तो मैं और हम सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे और आपके बाल भी वापस आएंगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। वाकई मेडिकल साइंस में, एस्थेटिक साइंस में और मेडिकल एस्थेटिक में तमाम ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक हर्ब्स में भी मौजूद हैं और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। नो वरीज, आप मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है? जबरदस्त। और हिना को, हिना का नंबर हम पहुंचा देंगे थ्रू आवर एमसीआर। अच्छा है ना, आप क्या रेमेडी बता रही हैं? अच्छा, आज जो असफर रेमेडी है वो ऑलमोस्ट तमाम जो हेयर के प्रॉब्लम हैं वो हल कर सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ये रेमेडी हल नहीं करेगी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा और उसको हल करना पड़ेगा। अगर ये जो रेमेडी आज मैं बना रही हूँ इससे हेयर फॉल किन लोगों का रुकेगा? उन लोगों का रुकेगा जिन्होंने अगर घर सर पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवा लिया है और उनके बाल ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, उनका हेयर फॉल फौरन रुकेगा। दो दफ़ा के इस्तेमाल से उनका हेयर फॉल ऐसे रुक जाएगा जादू की तरह, कि केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है या पॉल्यूशन की वजह से उनके बाल बहुत गिर रहे हैं, या अगर बालों में डेंड्रफ हो गई है और बाल बहुत गिर रहे हैं, या हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा कर ली है फिर भी बाल बहुत गिर रहे हैं, कलर बहुत ज़्यादा कर लिया है फिर भी बाल बहुत गिर रहे हैं, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है फिर भी बाल बहुत गिर रहे हैं, या किसी भी ख़ारिश की वजह से या किसी और ऐसी वजह से बाल गिर रहे हैं,
ये उनके बालों को फौरन गिरने से रोक देगा। तो रेमेडी बहुत ही आसान है, तो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको हम कुक करेंगे। उसके लिए चाहिए होगा एक ग्लास पानी चाहिए होगा, तकरीबन मुझे 250 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा। दो टेबल स्पून चाहिए होंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं, तो वो फ़ौरन से आपके बाल जो होते हैं ना उसको नरिश करेगा, स्काल्प को नरिश करेगा, हेल्दी ऑयल्स प्रोवाइड करेगा। 6 से 7 अदद चाहिए होंगे लहसुन के जवे, साबुत लहसुन चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून चाहिए होगी कलौंजी। आपको पता है कि ब्लैक सीड्स में बहुत शिफा है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। 1 इंच चाहिए होगा अदरक का टुकड़ा। 1 टेबल स्पून डलेगी मेथी दाना। 1 मीडियम साइज का डलेगा प्याज। 1/2 डलेगा लेमन। इन तमाम चीज़ों को हम डालेंगे 1 ग्लास पानी में और करेंगे बॉयल। इन तमाम चीज़ों को एक साथ डाल देंगे हम 1 ग्लास पानी में और इतना बॉईल करेंगे कि ये आधा रह जाए। हल्की आंच पे बॉईल करेंगे हम इनको। इसको ढक देंगे। ढकने के बाद और हमारे साथ एक कॉलर भी है, मिसेस साजिद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस साजिद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी मैंने ना डॉक्टर हिन्ना से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरा सवाल है, मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 15 साल जी, और उसके सर में खुश्की रही है काफी टाइम, 2-3 साल हो गए, फिर जख्म से हो गए। अच्छा। ट्रीटमेंट बहुत कराई है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बाल भी सारे वाइट हो रहे हैं। अच्छा। सारे तकरीबन। अच्छा। वाइट हो रहे, और बाकी बच्चों को भी ना खुश्की हो रही है, जख्म से हो रहे हैं। पूरी बॉडी पे हो रही है खुश्की? जी जी सारा। अच्छा। कोई कुछ की अब होने लगी लेकिन उसके तो 3-4 साल हो गए, बीमारी से बन गई, कोई एक्जिमा टाइप। जी जी। बाल भी वहाँ से जा रहे हैं, गिरते भी बहुत हैं इस बाल। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कोई आप ऐसा टोटका बताएं जिससे उसकी खुश्की भी ठीक हो और बाल भी वाइट जो है खत्म होकर ब्लैक हो जाए। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपकी बेटी को सोराइसिस है? जी डॉक्टर, काफी वो शैम्पू वगैरह दिए हैं उन्होंने और कोई 2-3 किस्म की ट्यूब भी मिक्स करके लगाती नहीं, जितनी देर लगाती हूँ उतनी देर ठीक है, लेकिन जैसे फिर से जब वो खुश होता है वो हिस्सा, तो फिर से जब वो खारिश करती है तो वो एक पोपड़ी बन के वहाँ से उतर जाता है, वो जख्म से बांध के ब्लड भी आता है, स्मेल भी आती है वहाँ। हाँ जी 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 जी, इसको कहते हैं सोराइसिस। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी आपकी अपनी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत ही बॉडी को डिफेंस नहीं कर पा रही होती, इसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती और ये बीमारी आ जाती है। इसके लिए आपको क्लिनिक ही आना पड़ेगा और मैं ये कह सकती हूँ कि आप इस पे वेजलिन लगाएं और वही तमाम क्रीम्स लगाएं जो डॉक्टर बता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो सर में तो ये वाला जो मैं इस वक्त बता रही हूँ ना टॉनिक, आप ये लगा सकती हैं। इसके अलावा और ज़्यादा मेडिकेशंस मैं आपको इस वक्त टीवी पे इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका क्लिनिक पर आकर ही प्रॉपर जब हम स्किन देखते हैं ना तो फिर ही इलाज होता है। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इस वक्त मेडिकल साइंस में लॉन्ग टर्म कोई भी इतना कहते ना कि फायदे वाला मौसर इलाज मुमकिन नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज होता है, यानी हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ठीक करते हैं क्योंकि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं ये ठीक होती हैं, दोबारा हो जाती हैं, इसलिए हम इम्यूनिटी इसमें ठीक करते हैं। मैंने पिछले वाले शो में इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बताई थी, अगर आप YouTube पे देखेंगी ना तो आपको मिल जाएगी वो इम्यूनिटी बूस्टर। आपकी बेटी को आप रोज़ एक 30 ml शॉट ज़रूर पिलाएं, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी बेटी की बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स अच्छे बनेंगे ना तो ये बीमारी जो कि इतनी एग्रेसिव है और इतनी अटैक करती है, ख़ारिश ज़्यादा होती है, खून ज़्यादा रिसता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएगी। तो आप YouTube पे जाएं और इम्यूनिटी बूस्टर शॉट्स जो ड्रिंक हैं जो असफर के ही शो में द मॉर्निंग स्टार में ही मैंने बताए हैं वो ज़रूर अपनी बेटी को आप पिलाएं, ठीक है? अच्छा है ना, मुझे बताइए जितने भी इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होते हैं कई शहर बदलने से बेहतर हो सकते हैं? अच्छा ये भी हो सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज होने से इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में फ़र्क आता है, वाकई आता है, लेकिन ये भी आपके डीएनए पे डिपेंड करता है कि अगर ये चीज़ें आपके डीएनए पे हैं तो फिर फर्क नहीं आएगा। अच्छा ख़वातीन आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हिना अनीस इस वक्त बना रही हैं बालों को मजबूत करने का एक हेयर टॉनिक। जी हिना, अच्छा देखें असफर, ये बिल्कुल बॉईल हो गया, हमने इसको कब से हल्की आंच पे सिमर पे रखा हुआ था और ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया। मैंने इसमें 1 ग्लास वाटर डाला था और ये 1/2 ग्लास हो गया। अब मैं इसको ड्रेन करूँगी, ये ड्रेन हो जाएगा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप इसको मलमल के कपड़े से ड्रेन करके बिल्कुल निचोड़ लें तो इसका और अच्छा सा अर्क निकल आएगा और ये इस तरीके का निकल आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे स्प्रे बॉटल में भर के रखना है और आपने बालों की रूट्स में लगाना है, इसको रोज़ रूट्स में लगाना है और शैम्पू अल्टरनेट डेज पे करना है। यानी रोज़ आपने सुबह में उठ के या रात में सोने से पहले रूट्स में लगाना है, कोम करना है और छोड़ देना है। ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप देखेंगे कि विद इन अ वीक आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और अल्टरनेट डेज पे आपने माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, पॉसिबली बेबी शैम्पू, बेबी शैम्पू यूज़ करें या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि सल्फेट ऐसा एंजाइम होता है जो आपके बालों को नुकसान देता है। तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें और इसको रोज़ हल्का सा स्प्रे 7 to 8 puffs आप अपने पूरे हेड पे करें और कोम करें और छोड़ और दें, सो जाएं रोज़। क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं ना कि नींद कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नींद बहुत जरूरी है, 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी जो कॉलर की भी मेरे पास कॉल आई ना, वो ये सारे जो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी इट्सेल्फ अंदर से कहो कर रही होती है, अंदर से डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, आपके सेल टर्न ओवर अच्छे हो रहे होंगे ना, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स से आप बचेंगे। लास्ट कॉलर के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सी टिप है जिसे मैं आगे रेमेडी भी बताऊंगी, बना के भी बताऊंगी, कि मनोका एक हनी आता है, मनोका हनी का एक जार ले लें और इसमें बहुत सारे गार्लिक यानी जो हमारा लहसुन होता है उसको छील के साफ करके मनोका हनी में डाल के आपने रखना है। 15 दिन के लिए आपने किचन में किसी भी छांव वाली जगह पर रख देना है और 15 दिन के बाद हर रोज़ 2 जवे आपने लहसुन खाना है। किसी भी खाने के साथ खा लें, सुबह नाश्ते में खा लें या रात को खाने के साथ खा लें, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा और सारा साल आपकी बॉडी में एक डिफेंस फोर्स तैयार होगी कि आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस से बचा के रखेगी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस आरिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस आरिफ, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है जी। क्या सवाल है आपका? मुझे हिना से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। वो हिना, मुझे इस बारे में बात करनी थी आपसे कि किसी दिन आप प्रोग्राम करें कि ये बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, छोटे बच्चों के, जी जी। और ये पता है जा नहीं रहे। जी जी। डॉक्टर की दवाई मैंने पिलाई है, मेरी बेबी जो है वो 7 ईयर्स ओल्ड हो गई है, तो वो मतलब पिलाती हूँ फिर दोबारा से हो जाते हैं। इसके ऊपर थोड़े से कुछ प्रोग्राम करें या मुझे कुछ गाइड करें कि मैं क्या करूँ कि इनके पेट के कीड़े खत्म हो, और दूसरी जो ये छोटे बच्चों में एलर्जिक होती है ना उसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है हिना? ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पूरा बच्चों की हेल्थ और बच्चों पे थोड़ी सी टिप्स दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अनार के फूल के जो पाउडर होता है ना वो आप मंगवा लें, और वो बच्चों को, अगर आप बच्चे वैसे तो नहीं लेंगे कड़वा होता है, तो थोड़ा सा शहद में अगर आप उसको मिला के बच्चों को चटा दिया करें ना, जिनके पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो उनको बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। और उनकी हैबिट्स देखें, क्या वो बच्चे नाखून खाते हैं, क्या वो बच्चे कोई मिट्टी खाते हैं, क्योंकि अक्सर 10 साल के बच्चों की आदत होती है पेंसिल खा रहे होते हैं, नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, मिट्टी खा रहे होते हैं, या वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी में होते हैं क्योंकि स्कूल जाने स्टार्ट हो गए होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से वो ऐसा डर्ट ले रहे होते हैं जिनकी वजह से उनके पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है ना। या उनमें जिंक एक ऐसा मिनरल होता है जिसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो अगर आप अपने बच्चों का जिंक का टेस्ट भी करवा लेंगी तो ये भी एक ऐसी डेफिशिएंसी होती है कि जिसकी वजह से बच्चों में पेट में कीड़े भी हो रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप अपने बच्चों की हैबिट्स देखें, और फिर मैं एक प्रोग्राम भी करूँगी बच्चों की हेल्थ पर, तो और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों को, बच्चों के कीड़े, नेल बाइटिंग बच्चे बहुत कर रहे होते हैं।
दीवारें, मैंने बच्चों की पेरेंट्स को अक्सर ये आते हुए देखे, बच्चे दीवारें नोच के दीवारें चाट रहे होते हैं, कॉर्नर्स खा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं ना, सारे टॉयज से कॉर्नर्स से चाट रहे होते हैं. ऑब्वियसली जाएंगे उनके पेट में मट्टी जाएगी कि, तो ये डर्ट जाएगा तो पेट में तो कीड़े होंगे ही, वॉर्म्स बनेंगे. तो ये सारी चीज़ें अनडाइजेस्टिबल फूड, बच्चे खाना चबा नहीं रहे होते, बच्चे खाना निगल रहे होते, तो अनडाइजेस्टिबल फूड बच्चों की आंतों में रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो कीड़े बन रहे होते हैं अंदर. बहुत बच्चे फीडर पी रहे होते हैं, 12-13 साल का बच्चा फीडर पी रहा होता है. इतनी सारी चीज़ें कि वो एक माँ ही बता सकती है कि आखिर ये कौन सी वजह है. जब मेरे पास क्लिनिक में मदर्स आती हैं ना, तो जब मैं चाइल्ड न्यूट्रिशन प्लान बना रही होती हूँ, तो मेरे पास चाइल्ड के अलग फॉर्म्स होते हैं, तो मैं मदर्स को देती हूँ कि आप इसको फिल करें. तो जब मेरे पास न्यूट्रिशनल असेसमेंट फॉर्म आते हैं, तो मैं उसको देखती हूँ कि क्या ये बच्चा इस एज ब्रैकेट का है, तो ये फीडर पीता है. तो फीडर पीता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वन रीज़न कि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कीड़े हैं या डेंटल कैरी है, क्या प्रॉब्लम है इसको. तो फिर अब मुझे नहीं पता कि इनका बच्चा फीडर पी रहा है, अनडाइजेस्टिबल फूड है, टीवी देखते देखते खा रहा है, तो ज़रूर निगल रहा होगा, चबा नहीं रहा होगा. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना बच्चों में. बच्चों को कहते हैं कि जो दवाइयाँ देते हैं पेट में कीड़ों की, वो क्या थोड़े से बाद दोबारा हर साल देनी पड़ती है बच्चों को, एवरी ईयर देनी पड़ती हैं. तो हमारे पास तो अब हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि न्यूट्रिशन भी एक साइंस है और ऑर्गेनिक और आयुर्वेदा, अब हम साइंस पे ही बेस्ड करके हम जो सारी चीज़ें जो हम बना के दे रहे होते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट एक्सपायरी होती है और जिनकी बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती हैं, तो वो उसकी कोई शेल्फ लाइफ होती ही नहीं, ऑर्गेनिक होती हैं. तो वो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं कि आपने उसी वक्त विद इन अ वीक बच्चों को पिला देने होते हैं, तो इंटेस्टाइन क्लियर हो रही होती है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. और आई थिंक कि लेटर एज में जब जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, आई थिंक वो लेटर एज में उनको बहुत ज़्यादा आंतों का प्रॉब्लम रहता है, डाइजेस्टिव इशू होते हैं, या वो ओबीस हो जाते हैं या वो अंडर वेट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, या वो फैट में ट्रांसफर हो रहा होता है आपका फूड. लेकिन बच्चों में ही कहते हैं ना कि अभी तो ये हाइट निकाल रहा है इसलिए पतला है, यही तो प्रॉब्लम है. हमारे पास मिथ्स बहुत ज्यादा हैं कि या तो ये हाइट निकाल रहा है तो चले वो बहुत पतला है. मैं मानती हूँ कि बच्चों में कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा होना, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. बच्चों का भी एक एज ब्रैकेट के लिहाज से उनका कैलोरी इनटेक हमारे पास है, ठीक है ना. फूड अथॉरिटीज़ ने हमें बताया हुआ है, WHO से अप्रूव्ड है, हर चीज़ अप्रूव्ड है. हम उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम एक ओबीस बच्चा है कि जो कि प्री डायबिटिक हो सकता है, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रम्स में कहीं ना कहीं वो जा सकता है, तो हमें उसको वहाँ पे देखना है, लोकेट करना है, हमें उसके पेरेंट्स को गाइड करना है कि भाई बच्चे को ध्यान दें कि कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी में ना चला जाए आगे जाके, ना. एग्जैक्टली, बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल सही कह रही है, आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो गया है ना. ये टॉनिक आपने बना दिया है और इसको आप क्या कह रही है कि हर रोज रात को 7-8 पफ्स पूरे हेड पे लगाना है, बालों में नहीं लगाना, ठीक है, बालों की स्कैल्प पे, स्कैल्प पे लगाना है और ब्रश करके सो जाना है, दैट्स इट. जबरदस्त है ना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. खवातीन रोज रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन रोजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, और आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें बड़े खुश होने वाले हैं. रियली? हाँ. क्या बना रही हैं? क्योंकि उसके अंदर मीट है. हाँ, मीट मीट मी आउटसाइड. बिल्कुल. तो आज जो हम बना रहे हैं, आजकल मटर का बड़ा सीजन है और आलू मटर कीमा बना रहे हैं. आलू का पीछा नहीं छोड़ेंगे आप. नहीं, ये आप उन लोगों में से जो आलू को भी महंगा करा के छोड़ेंगे, है ना. लेकिन क्या करें, आलू एक ऐसी चीज है जो हर चीज के साथ बड़ा अच्छा लगता है, और दोस्ती हो तो आलू जैसे, है ना. वाह, कौन कह रहा था, कोई कह रहा था मैं? पता नहीं, आपको किसी ने बोला? आप ही कह रही थी शायद. अच्छा, दोस्ती हो तो आलू जैसी, आलू की सबसे दोस्ती हो जाती है. हाँ, ये तो मैंने बोला था, बिल्कुल आलू की सबसे दोस्ती हो जाती है वैसे तो. ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, अरे
तो क्या हो गया सर? ये चूल्हा फटने से अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको पता आजकल गैस गैस के साथ हमारी ये आंख में चोली तो चलती ही रहती है। रेसिपी तो बता दें क्या? हाँ चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, ये नाराज है, इसने कहा नहीं मैं नहीं जलने वाला आज, तो उसने कहा मैं जल जाता हूँ। चलो ठीक है, अच्छा रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं, बता साथ साथ दे देते हैं। ठीक है, तो इतना तेल शेफुनी साहब को पता, ये तेल हमें 3 महीने चलाना है। ओफ अल्लाह क्या बात, वैसे आजकल कम खर्च बाला नशीब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्या करें मजबूरी है, लेकिन तेल के बगैर मजा भी तो नहीं आता ना। चलो कम डालिएगा आप, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब डाले। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी, जिसमें 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी वाली इलायची, थोड़ा सा जीरा, 1-2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्चें। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, जब ऑयल के अंदर इनिशियली स्टार्टिंग में आप गरम मसाला जो है वो रोस्ट करते हैं, तो वो बड़ा उसमें प्यारी सी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, तो इसको इतना करना है कि इसकी खुशबू निकले, थोड़ा सा इसको पकाना है इसके साथ। ठीक है, जैसे ही ये गरम हो जाए तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, शामिल करेंगे इसके अंदर हम 1 प्याज देंगे, जो है ज़ीरा हमारा स्प्लैटर होना शुरू हो गया, इसके अंदर 1 प्याज आपने शामिल कर देनी है। ठीक है, बारीक कटी हुई। अच्छा, हमारी प्याज थोड़ी सी बड़ी थी, ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ा उस हिसाब से डाला है। अच्छा, हम यहाँ पे जो है मैंने 1 पाव जो है वो कीमा लिया है, आप बीफ का कीमा ले लीजिए, उसके साथ बहुत मज़े का बनता है। आप चिकन का ले लीजिए, मटन ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल चिकन का लिया, क्योंकि आज ट्यूज़डे हमें बीफ नहीं मिला था। अच्छा ठीक है, हाँ शिवनी, बीफ का कीमा महंगा है चिकन से? नहीं नहीं, कंपैरेटिवली बीफ से ही मिल रहा है इस वक्त, सस्ता मिल रहा है जी। ठीक है, और चिकन तो आप यकीन करिए बोनलेस मेरे ख्याल से 1000 अबव चली गई है। ठीक है, और बीफ आपको मेरे ख्याल से 600, बहुत सी जगहों पे 650 से 850 के दरमियान आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कितना मेजर डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से और कंपैरेटिवली बीफ में बरकत है, वैसे बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। अब क्या करें, हम लोग सब टॉलरेट कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अब करना पड़ रहा है। रोज एक बोटी खाएं हैं, है ना, वंस इन अ वीक आप रख लेना, हफ्ते में एक दिन आपने चिकन रख लिया, एक दिन बीफ रख लिया, एक दिन फिश रख ली। फिश भी आपको सस्ती पड़ेगी कंपैरेटिवली, क्योंकि अब जैसे गर्मियाँ आ रही फिश के रेट कम हो जाएंगे। अच्छा, सर्दियों में फिश के रेट बढ़ जाते हैं, क्यों? सी फूड का, क्योंकि जो है सर्दियों में ज्यादातर कंजम्पशन भी होती है सी फूड की। फरवरी मार्च अप्रैल बस 3 महीने तो आप फिश खा सकते हैं ना, मई से फिर बंद हो जाएगी। हाँ, मई जून जुलाई अगस्त तक बंद, थोड़े रेट कम होना शुरू हो जाएंगे फिश के। आप फिश लेंगे, फिश से कितनी सारी चीजें बन जाती हैं। फिश नहीं बनाई ना कभी? नहीं नहीं बनाई है हमने, अभी सर्दियों में ही बनाई थी, टिक्का फिश बनाई थी, याद है, और फिर इसके अलावा एक और नहीं, मैं कह रहा हूं हम वो क्यों नहीं बनाते हैं, ग्रिल फिश, पूरी फिश जो होती है बना सकते हैं बिल्कुल, वो अब आप कल फिश ले आएगा, ये मुझे पता था यही कहेंगे, आप ले आइएगा तो बना दूंगी ये चीज ना। क्या करें, अब यही करना पड़ेगा ना, अब तो देखिए दावतें भी कम, क्या ये फरमाइशी प्रोग्राम बंद होना चाहिए, है ना, अब तो लोगों की दावतें भी कम हो जाएंगी, लोग बोलेंगे यार खुद ही खा लो वो ज्यादा अच्छा है, क्या दावत में भी बुलाए हैं महंगाई के दौर में। I think अब वो वाली दावते होंगी जो पहले नहीं होती थी, सिर्फ चाय पे, नहीं कि आओ चाय पियो और जाओ, नहीं एक एक दावत कर सकते हैं इस वक्त। हाँ, आप बंदिश कर सकते हैं, जैसे हर बंदा अपने घर से कुछ बना के ले आया और सब एक जगह बैठ के एंजॉय भी करें। उस दिन आपको मैसेज सबका आएगा हम बीमार हैं, हम आज नहीं आ रहे, शमुनी जी आपको पता नहीं है महंगाई कहाँ पहुँच गई है, वो चीज तो है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंदिश वगैरह भी अगर आप प्लान कर रहे हो बेहतरीन है कि आप ये चाय कॉफी की इवनिंग्स करें। हाँ, उसमें लेकिन आप यकीन करें हाई टी में आप जो स्नैक्स आइटम रखते हैं वो फिर अच्छा पूरा डिनर ही आप कर लो। नहीं तो स्नैक्स रखने की क्या ऐसी आफत है, बस चाय बिस्किट, आप निमको रखें चाय रखें, मेरी बात सुनिए, खाने पे इतना क्यों फोकस है, आप बातें क्यों नहीं कर सकते, आप बैठ के देखिए बातें करें, हंसी मजाक करें। हाँ तो बैठ के खाना शौक है, खाने बस कहीं भी जाए, जिंदगी का मकसद ही खाना है, आपको पैदा हो तो खाए, किसी के खुदा ना खासा मैयत में जाए वहाँ खाए, वहाँ बोटियां ढूंढे, आप मतलब बस खाते रहे, हम खाते रहे बस, ये तो ये चल रहा है ना, बिल्कुल गलत है, आपको पता है जितना खाएंगे उतना बीमार होंगे। हाँ ये तो बात है, अभी हम लोग अंदर यही बात कर रहे थे कि जो है ना अब जो है ना लोग पतले होना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया है लोग चलना ज़्यादा शुरू कर देंगे, और जो है इस तरह सेहत अच्छी होगी, सिगरेट देखिए कितनी महंगी हो गई है, तो वो लोग पीना कम कर देंगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी, खाना इतना महंगा हो गया, चलेंगे तो मोबाइल स्नैच हो जाएगा फिर और पैदल चलेंगे क्या मतलब क्या करेंगे बताएं तो क्या करें, आप देखिए सेहत सबकी बेहतर होने वाली है वैसे, क्योंकि खाने की अशिया महंगी हो रही है, कम खाएंगे जो बहुत ज्यादा, आपको पता है दानेश्वर कहते थे कम खाओ ज्यादा जियो,
अब यही होने वाला है। अब देखना पाकिस्तानी कौम इतनी जिएगी ना। पाकिस्तानी कौम बहुत। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी इवनिंग्स होती हैं, मिलना मिलाना होता है, हाँ मेल मिलाप की जो इवनिंग्स होती हैं, शेफ होनी चाहिए, इतनी आफत नहीं होनी चाहिए खाने की उसमें, कि 12 आइटम 15 आइटम ये अब बहुत ज्यादा ही हो गया ना। अगर नहीं होता इसके अंदर, हम एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, अगर नहीं होता ना तो लोग बुरा मानते हैं। अब मेरी अम्मी बताती थी पहले, जैसे कोई ऐसे अचानक आ जाता था, घर में दाल चावल भी पके होते थे तो सब खुशी खुशी खाते थे, ठीक है। अब आप दावत अगर कोई कर रहा है तो उसमें 10 तरीके की तो आपने लवाजमात रखने हैं, फ्राई आइटम आपने 3 से 4 रखने हैं, फिर कोई कबाब रख लिया आपने, कोई समोसे रख लिए, फिर कोई मेन कोर्स रख लिया, सैलेड रख लिए, तो कितनी सारी आपने चीज़ें रखनी होती हैं। और फिर भी लोग जब जाते हैं तो कोई ना कोई कीड़ा निकालते हैं, वो लाजिम होता है। अच्छा ये हमने इसके अंदर कीमा शामिल कर दिया, मैं इसमें तमाम मसाले साथ साथ शामिल करती जाऊंगी, थोड़ा सा कीमा कुक हो जाता है तो। अच्छा जी, नमक हम इसमें हसब जायका शामिल करेंगे, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून के करीब, लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, थोड़ी सी हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने 2 से 3 बारीक काटी है हरी मिर्चें, वो शामिल कर रही हूँ, और इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। दैट्स इट, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, मैंने टमाटर जो है यहाँ पे ब्लेंड कर लिए थे 3 अदद छोटे, वो शामिल कर दूँगी इसके अंदर। टोमेटो प्यूरी नहीं, नहीं सिर्फ टमाटर हैं, उनको ब्लेंड कर लिया था, इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया था, सिंपल टमाटर। अच्छा आप प्यूरी नहीं ऐड कर सकते? प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यूरी में देखें कुछ इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल टमाटर हैं जो आपको मिल रहे हैं इजीली, वो आप कर सकते हैं। अच्छा बड़ा मज़े का आइडिया दूँ, आजकल असफर आलू बड़े सस्ते हुए हैं और रमज़ान आने वाला है, तो बहुत से लोग फ्राइज़ जो है रमज़ान में बड़ा खाना पसंद करते हैं, और आगे थोड़ी सब्ज़ियाँ हर चीज़ महंगी होगी, तो आप आलू लेके फ्राइज़ को कट करके उसको क्या करें, बॉयल कर लिया आपने, बॉयल करने के बाद आपने उसको स्ट्रेन करा, स्ट्रेन करने के बाद उसको ड्राई करके कॉर्नफ्लावर लगा के जिप्लॉक्स भर के रख दें, तो आपके पास फ्राइज़ हो गए रेडी। अब जब इफ्तार से आपने पहले निकाला और वो बॉयल हुए होते हैं तो वो जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। बॉयल के टूट नहीं जाते हैं आलू? फुल डन कम्प्लीटली बॉयल नहीं करने आपने, ठीक है, थोड़ी सी कसर छोड़नी है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही उसको काट के फ्रीज करेंगे तो आलू काला हो जाता है, ठीक है। तो उसको जब आप बॉयल करेंगे थोड़ी सी कसर इसलिए छोड़िएगा कि वो टूटे ना और बिल्कुल गल ना जाए उसमें, ठीक है। और बस आपने निकाला और उसको जो है आपने यूज़ कर लिया, तो आप हमारे यहाँ बचत भी तो आप बहुत सी चीज़ों में कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम थोड़े से आलू शामिल कर रहे हैं। आप छिलके के साथ डाल रही हैं आलू? हाँ, क्योंकि अभी जो है ना छिलका जो आया हुआ है ना आलूओं का वो बहुत बारीक होता है, तो आप उसको विद छिलका यूज़ कर सकते हैं। और मटर इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, मटर्स, ठीक है। तो एक आलू मैंने बारीक काट के वो शामिल करा है, और समझिए 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें मटर शामिल किया होगा। कितनी अच्छी आलू मटर की सब्जी तैयार होगी। बिल्कुल, कीमा भी है इसमें। हाँ कीमा तो है इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कीमे के बगैर भी शमुनिजा ये अच्छी खासी एक डिश है खाने के लिए। देखिए बात ये इस वक्त महंगाई का इस वक्त इतना वो चल रहा है कि आप गोश्त चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको क्या करेंगे कुछ चीज़ें ऐड करें जो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करें और आप एक अच्छा सा मील इन्जॉय भी कर सकें। तो आपको प्रोटीन भी मिल गया इसमें जो आपको मीट के थ्रू। लेकिन शमुनिजा मुझे वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर अभी कोई अगर चिकन नहीं अफोर्ड कर पा रहा हो या चिकन नहीं हो तो उसमें चिकन क्यूब डाल सकते हैं। बिल्कुल, फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हो। आप कीमा हटा दीजिए और आलू और मटर की सब्ज़ी भी बनती है, वो भी अच्छी बनती है। इसके अंदर आप थोड़े से गाजर ऐड कर दें तो आलू मटर गाजर का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसके साथ जो है मेथी भी ऐड कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है इसके साथ, आलू मटर मेथी की जो सब्ज़ी बनती है। तो बहुत सारी वेराइटी आप बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बात यह इस पर सब्ज़ी भी इस वक्त बहुत महंगी हुई हुई है, ठीक है ना। अब ब्रेक ही ले ले, है ना। चले जी, आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटी से ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ शेफ मुनीजा बना रही हैं
आलू मटर की माँ जी शेबुनी साहब जी। अच्छा ये डन हो रहा है, थोड़ा सा आलू इसमें हमारे गल जाए, खुशबू देखिए कितनी मजे की आ रही है बहुत ज़्यादा। और जो है जैसे ही आलू थोड़े से गल जाते हैं हमारे, तो उसके बाद ये डन हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे जब तक थोड़ा सा ढक दे ताकि आलू हमारे ना गल जाए। लास्ट में हमने क्या ऐड करना है इसके अंदर, लेमन जूस ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जूलियन कटीवी अदरक और हमारा जो है ना मज़ेदार सा जो है आलू मटर कीमा तैयार हो जाए। और फिर इसको खाएं किससे? खाएं आप राइस के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, आप पराठे के साथ खा सकते हैं, आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप स्पून से खा सकते हैं, जैसे आप खाना। बेस्ट बात आपने एंड में कही है ना, आप स्पून के साथ खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिला वजह कार्ब्स का इंटेक करें और बिला वजह आप रोटी और डबल रोटी और इनके चक्कर में फंसे। बेहतरीन है कि आप लाइट खाएं, कम खाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। सही कह रहा हूं? हां अब सब सेहतमंद होने वाले, अब सब सेहतमंद होने वाले। और हम हमेशा बात कर रहे होते कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो वैसे नहीं होता था, पहले का वक्त जो था मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतर इस वजह से था क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इतनी जिंदगी में भी असल जो जो दौर आता रहा है जी, हर उस दौर के लोगों के लिए वो महंगाई का ही दौर था मेरे ख्याल से। ये तो है, लेकिन देखिये महंगाई का दौर कुछ भी हो आपको सस्ते ऑप्शन तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ भी हालात चल रहे हो आपको इंटेलिजेंटली अपने फाइनेंसेस को देखना चाहिए, आपको इंटेलिजेंटली अपने फाइनेंसेस मॉनिटर करने चाहिए। ये नहीं हो सकता हम लोग सबसे ज्यादा मार शबुनीजा जज्बात से खाते हैं कि यार कोई बात नहीं आज कर लेते हैं, ये जो तरीका होता है ना ये बहुत ही गलत है। आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली अपने फाइनेंसेस को मॉनिटर करना चाहिए। खवातीन और हज़रात आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार शख्सियत से कराने वाले हैं। आजकल जो कि आप ट्रेंड देख रहे होते हैं कि दो बहनें इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रही हैं और कहते हैं भाई आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि दोनों बहनें हीरोइंस हैं और इतनी पॉपुलर है। ये ट्रेंड बहुत साल पहले शुरू किया था ये दो खूबसूरत लड़कियों ने जो कि एकदम से इंडस्ट्री में आई, सारे ड्रामों में नजर आती थी और अगर बात करें तो क्या बेहतरीन लहजा होता था बात करने का, बहुत ही क्लासी, वेरी वेल स्पोकन, वेरी वेल एजुकेटेड। वो दो बहनें थी अनीता और अंबर अयूब और आज हमारे साथ हैं अंबर अयूब। अंबर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारी दावत कबूल की आने के लिए। माय प्लेजर। और मैं आपको कब से अमेरिका से मैं स्टॉक कर रहा था कि अंबर कब आएगी। मैंने एक दिन अंबर का स्टेटस पढ़ा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैंने कहा बस अब मैं छोड़ूंगा, अब मैं बुला के रहूंगा। अंबर कैसी हैं आप, कहाँ रही गायब इतने अरसे? मैं एक्चुअली ऑफकोर्स पाकिस्तान बॉर्न एंड रेज हुई है इन कराची, फिर आफ्टर डूइंग माय प्लेज एंड ऑल आई गॉट एंगेज्ड इन 93-94, फिर मेरा अमेरिका जाना हो गया। आई वेंट देयर फॉर टू बेसिकली फॉर एजुकेशन प्रोडक्शन के लिए, देन फिर वहीं रह गई आई गेस, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर वहाँ आई एम सेटल्ड इन डैलस टेक्सस। इन डैलस, लेकिन आपको याद नहीं है क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ये एक्टिंग बड़ी एक एडिक्शन है और ये जो इससे अपने आप को डिटैच करना बहुत मुश्किल है। राइट। और सेकंडली आपकी तो एक बहुत ही क्रेजी रन रहा, इतनी पॉपुलैरिटी, आपको याद नहीं है कि मैं वापस जाऊँ उसको मजीद आगे लेके जाऊँ? वेल बिल्कुल याद तो आता था, टू योर पॉइंट, इट यू कैन नॉट लेट इट गो, देयर इज नो वे। तो वहाँ मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था टेक्सास टाइम विद अंबर यू, कुछ छोटी मोटी प्रोडक्शन, बट वहाँ पे इतना हो नहीं सकता है। एंड देन आई हैव माशाल्लाह 3 बॉयज, सो आई रेज देम मायसेल्फ, वहाँ पे इतनी हेल्प भी नहीं होती। 4 बॉयज है? 3 बॉयज, योर हस्बैंड इज वेल? हां, 4 करते हैं बिल्कुल, फोर्थ इज द यंगेस्ट। यार फोर्थ इज द यंगेस्ट, तो बिल्कुल, तो उनके साथ वहाँ पे आई गॉट सो ऑक्यूपाइड, तो यहाँ आना होता है तो लिमिटेड, लाइक फॉर कपल ऑफ वीक्स आती हूँ, उसमें फैमिली से मिलना, फिर मुझे ऑफ कोर्स सुल्ताना सिद्दीकी ने काबर प्ले करके जाओ, काजम पाशा ने का प्ले करके जाओ, जब भी आती हूँ जिसको मिलती हूँ, बट टाइम ही होता है, स्पेशली व्हेन आई केम हियर बिफोर, बच्चे छोटे होते हैं तो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। लेकिन अगर अभी आप देखें तो माशाल्लाह अभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ग्लोबली जानी और मानी जाती है, मतलब हम लोग जो प्लेस करते हैं फीडबैक टेंजानिया से और ऑस्ट्रेलिया से, पूरी दुनिया के अलग अलग खितों से फीडबैक आ रहा होता है आपके ड्रामे 10 जबानों में डब होके दुनिया में कहां जाए। अब आप सोचती कि दोबारा से कम बैक करूँ या कुछ करूँ, या आपने वो चैप्टर्स बंद कर दिए? चैप्टर्स बंद नहीं किए, लाइक नेवर से नेवर, हाँ यू कैन नेवर से नेवर, एब्सोल्युटली। तो मैं एवरी टाइम आई मेक अप माई माइंड, मुझे लोग कहते हैं कुछ करके जाओ, प्लेस करके जाओ, तो मैं एटलीस्ट आई मेक श्योर कि एक
कोई लाइव इंटरव्यू या कुछ ना कुछ करके जाऊँ एटलीस्ट और टीवी बोल के जाती हूँ मैं अब नजर आऊंगी टीवी पे अच्छा यू नो इफ यू गो बैक इन टाइम मुझे बताएं सफर शुरू कैसे मुझे जहाँ तक याद है मैं अनीता अयूब और अंबई अयूब दो बहुत बड़े नाम कंसिडर किए जाते थे और ऑलमोस्ट हर ड्रामे के अंदर आप लोग होते थे हर मैगजीन कवर पे होते थे और बहुत ही ग्लैमरस ये दो बहनें एकदम से इन दे टुक ओवर द सीन हाउ इट ऑल स्टार्टेड एक्चुअली वी डिड अमीर अदनान का फैशन शो सही बताएं व्हेन आई वाज लिटरली इन नाइन्थ ग्रेड तो फैशन शो किया था तो वहां से दे वाज फ्यू फोटोग्राफर्स दे टुक आवर पिक्चर्स उन्होंने मैगजीन पे लगाई पिक्चर एंड देन मुझे फर्स्ट प्ले ऑफर हुआ था इकबाल लतीफ साहब का पीटीवी का ही सॉ माय पिक्चर ऑन अ मैगजीन कोई पाकिस्तानी मैगजीन था मैग था या शी था तो उन्होंने कहा कि अंबर वुड यू लाइक टू डू माय प्ले तो फिर आई सेड श्योर फिर आई वेंट टू पीटीवी तो वहाँ पे मैंने इस तरह मेरा पहला प्ले हुआ था इंट्रोडक्शन बाय इकबाल लतीफ साहब एंड देन फिर उनके फिर उसके बाद तो फिर पीटीवी के प्लेस काफ़ी मैंने किए और दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड बेसिकली विद मॉडलिंग खवातीन हज़रात अंबर अयूब हमारे साथ मौजूद है अगर आप अंबर से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं आज अंबर अयूब से डैलस से खास तौर पे हमारे शो के लिए आई हैं अंबर बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हैं अच्छा अंबर मुझे बात बताएं अनीता अयूब आपकी बहन थी वो भी एक इक्वली बड़ी स्टार थी उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है वी आर बेस्ट बडीज आज तक बिल्कुल जी रोज सिब्लिंग राइवलरी जैसे होता है ना रूममेट्स तो मेरी सब हम लोग चार बहनें हैं तो बड़ी बहन का नाम अनीला है छोटी बहन का नाम अरूज है तो दे यूज्ड टू बी इन वन रूम एंड देन मैं अनीता रूममेट्स होते थे इन वन रूम तो वी वर लाइक दिस यू नो तो अभी तक ऐसे ही हम लोग जी अच्छा अच्छा उन्होंने तो इंडिया में भी जाके काम किया आपने नहीं सोचा कभी यू नो फॉलोइंग योर सिस्टर्स राइट आई वाज नेवर इनटू मूवीज अच्छा आई वाज वेरी हैप्पी विद टीवी एंड मॉडलिंग टीवी आई यूज्ड टू रियली एंजॉय तो लेकिन मैंने बीच में तो ये भी सुना था कि आपको भी ऑफर आई थी इंडिया से लाहौर गई थी आई वेंट फॉर ऑडिशन समर सीन में प्ले था वहां पे तो वहां पे कोई प्रोड्यूसर्स आए हुए थे आई नेवर लाइक्ड एट दैट टाइम मूवी इंडस्ट्री अब तो आप लोगों को पाकिस्तान की बहुत अच्छी हो गई है उस जमाने में कुछ थोड़ी अजीब थी तो आई वॉज नॉट इन टू दैट और प्लस ये कि मूवीज के लिए डांस आना चाहिए आई डोंट नो डांस एट ऑल तो आई वॉज हैप्पी विद माई ड्रामा जो ड्रामास कर रही थी बिल्कुल एंड पीटीवी वॉज लाइक अ होम टू मी मैं लिटरली लाइक आई यूज्ड टू एंजॉय अभी भी मैं जब गई हूँ पीटीवी कपल ऑफ इयर्स बैक द चौकीदार रिकॉग्नाइज मी ही ओपन द गेट फॉर मी यू नो सच अ नाइस फीलिंग और वहाँ जाके फिर मेमोरीज आती है पीटीवी वॉज एक नॉस्टैल्जिया लवली एक्सपीरियंस फॉर मी अच्छा मुझे एक बात बताएं जब आप पाकिस्तान आती हैं आप बाहर ही मुकीम हैं आप जब आती हैं आपको कितना मुख्तलिफ लगता है कराची कितना बदल गया बहुत बदल गया बहुत ज़्यादा मुझे आई वुड लव टू स्टे अ लॉन्गर लेकिन शुरू में एक्साइटमेंट होती है ये वो फिर ट्रैफिक देखती हूँ या आई डोंट नो जो जिस तरह यहाँ गन वायलेंस वगैरह वहाँ पे भी हो रही है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ गन वायलेंस बल्कि अब अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रहा है बट यहाँ पे लाइक व्हाट आई डोंट लाइक इज जैसे मैं बाहर जा रही हूँ आई वांट टू रोम अराउंड या कुछ करना तो हर कोई फैमिली वाले बोल रहे होते हैं बी केयरफुल पर्स नहीं लेके जाना फ़ोन उठा लेंगे तुमसे फ़ोन पे नहीं बात करना इन चीज़ों से मैं बहुत घबरा रही होती यू कांट इवन बी योरसेल्फ तो वो एक खौफ रहता है ना एक खौफ रहता है लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ लगता है कराची का पूरा चेहरा बदल चुका है शहर का आई लाइक मेरा फ़ोन हाथ में हो मैं खीरे वगैरह कटे हुए रखे हों उन चीज़ की पिक्चर्स लूँ मज़े मज़े की ना जो कि आए इन्जॉय तो वो नहीं ले सकती हूँ ये नहीं करो वो नहीं करो यू नो हर चीज में तो डर डर के भी कोई जीना है बिल्कुल सही बात है लेकिन अभी आजकल अगर आप टेलीविजन देखती हैं ड्रॉप ड्रॉप प्लेस देखती हैं आप अभी बिल्कुल सारे प्लेस आपके तो बहुत शौक से देखते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू एमएस लेकिन कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप सोचती हैं कि यार इनके साथ अगर वापस आऊंगी तो इनके साथ कमबैक करूंगी यार आई डोंट नो सारे ही बहुत अच्छे कर रहे हैं बल्कि मुझे जब लोग कहते हैं ना पर आपके टाइम पे पीटीवी के टाइम पे प्लेस बहुत अच्छे थे तो आई डोंट बाय दैट यू नो ऑनेस्टली बिकॉज अभी प्लेस बहुत अच्छे बन रहे हैं प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी ऊपर है आई लव इट बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है लोग कहते नहीं पीटीवी के टाइम पे बहुत अच्छी थी तो आई डोंट रियली बिलीव दैट बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है टेक्नोलॉजी इज सो गुड तो आई थिंक वर्क इज अमेजिंग एक्टर्स आर अमेजिंग तो अच्छा अंबर एक थोड़ा सा तल्ख सवाल है मुश्किल सवाल है अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखिए जिस तरह जो खवातीन हीरोइंस रहती हैं और उनका एक पूरा एक ग्लैम होता है यू नो पीपल यू नो उनको एक तरीके से देखा हुआ होता है यू नो दे हैव बीन ऑफ देम उनके लिए क्या मदर्स के कैरेक्टर्स करना मुश्किल होता है नॉट रियली बिकॉज एक तो जैसे वहाँ पे आई डिडंट हैव अ चॉइस
वहाँ पे हम लोग के पास नैनीज होती हैं, बट यू कांट अफोर्ड देम फुल टाइम यू नो रखना. तो आई हैड थ्री किड्स माशाल्लाह बैक टू बैक एवरी टू ईयर्स. तो एक लेट से चार साल का था, एक दो साल का था, एक न्यू बॉर्न था, तो चॉइस नहीं थी. और आपकी माँ तो माँ होती है ना, यू कांट लीव योर किड क्राइंग राइट. नो नो, आई एम सेइंग यू प्लेइंग ऑन टीवी. एक हीरोइन का आपने रोल किया हुआ टीवी पे. वो अपना रोल है ना, माँ का अपना रोल होता है. लेकिन टीवी पे भी आप मदर के रोल कर सकती है. मदर के क्यों नहीं कर सकती हूँ, आई एम अ मदर. मेरा माशाल्लाह ओल्डेस्ट इज बिकमिंग अ डॉक्टर, ही इज इन मेडिकल कॉलेज, उजैर नाम है उसका. देन माय सेकंड सन्स नेम इज आशिर, ही इज इन प्री लॉ. एंड थर्ड वन इज सेकंड ईयर कॉलेज, ही इज इधर बिजनेस और फाइनेंस, वन ऑफ द टू. ही स्टिल डिबेटिंग क्या करना है. तो आई एम अ मदर. अच्छा नहीं, माशाल्लाह अब वो लोग अपनी जिंदगी में लगती नहीं है, अलग बात है. ये बात तो बिल्कुल सही है. बताएं क्या कहेंगी आप. यू आर सो प्रीटी माशाल्लाह से. मैं आपकी पिक्चर्स भी देख रही हूँ और क्या इनकी आईज में जो बात है ना, अगर इस पर आप देखें. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ. यू नो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप तो ये महानूर बलोच और अनीता अंबर, ये लोग इतने बड़े स्टार्स होते थे एट दैट टाइम. एंड इतनी ज़्यादा एक, जिस तरह मुझे याद है कि मेरे घर में जो खवातीन है वो इनके कपड़े देख के दर्जी के पास वो ऑर्डर्स जाते थे, मैक के पर्चे फटे हुए कि ये बना दो. टीजेस का बहुत आपने काम किया हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा काम किया हुआ था. अच्छा अंबर, आपका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वहीद मुराद से, उसके बारे में कुछ बताएं. मैं एक्चुअली इनिशियली तो उन लोगों के लिए आई हूँ. लास्ट ईयर उनके बेटे की शादी थी, दिस ईयर उनकी बेटी की शादी है. अच्छा, तो आई मीन हो गई है शादी, वलीमा हो गया. आई वेंट टू इस्लामाबाद आल्सो फॉर द वलीमा. तो आई एम हियर, वहीद मुराद वाज माय मामू. तो आलिया उनकी जो बेटी, शी हैज इनवाइटेड मी, तो आई एम हियर फॉर देयर वेडिंग. और मतलब मामू वाज मेरी अम्मी का कोई सगा भाई नहीं था, मामू की कोई सगी बहन नहीं थी वहीद मुराद की. तो दे वर लाइक रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बल्कि वहीद मुराद की डेथ भी हमारे घर में हुई थी. उनकी लास्ट मंथ एंड हाफ ही वाज विद अस. ही हैड एक्सीडेंट इन लाहौर. लास्ट फ्यू डेज हमारे साथ ही थे. मम्मी अपने हाथ से उनको निवाले खिलाती थी. तो दे वर सो क्लोज. तो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप उनसे रही. बिल्कुल, हम लाहौर जाते थे छोटे होते थे, तो उनके मूवीज वगैरह के सारे रिकॉर्डिंग देखते थे. अच्छा अंबर, अभी आपका करंट एक प्रोजेक्ट है अरमाले. जी, अरमाले बुटीक. जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं. बिल्कुल, जैसे भी आपने मेंशन किया, मुझे अभी भी डैलस में लोग कहते हैं अंबर तुम्हारी मैगजीन्स के, मैग के मैगजीन्स हम लोग रखते थे, यू नो योर मैगजीन पिक्चर्स विद योर ड्रेसेस एंड ऑल, फॉलो करते थे आपको अभी तक डैलस में, बिकॉज माई जनरेशन इज देयर. तो उसमें फिर मुझे हुआ, व्हाई नॉट ओपन अ बुटीक ओवर देयर. तो आई हैव अ बुटीक देयर सिंस 12 इयर्स, आर्मेल 12 इयर्स, माशाल्लाह, वेरी नाइस. आई गॉट इनटू दैट. मैंने कहा ये इजी भी है एंड मैनेजेबल है. उस टाइम बच्चे जब छोटे थे तो इट वाज मैनेजेबल, क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना है तो आई कैन शट डाउन माय बुटीक, गो इफ माय एम्प्लॉई इज नॉट देयर. तो वो इसलिए मैंने गॉट इनटू बुटीक बिजनेस. एंड बुटीक वाज एक्चुअली ओन्ड बाय सुल्ताना जफर, हमारी पीजी की जो. जी जी जी, तो मैं अक्सर वहाँ जाती थी. हमारे डैलस में एक रेस्टोरेंट है, तो उसके साथ में आर्मेल बुटीक, आर्मेल उनके बेटे पोते का नाम है, ग्रैंड किड. अच्छा, तो मैं उनसे मिलने जाती थी, ऐसी गपशप लगाती थी. कहती क्या कर रही हूँ अंबर. मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, घर से थोड़ा बहुत, आई डू क्लोथिंग बिजनेस, बिकॉज कपड़ों का वैसे ही शौक है. तो जाती हूँ तो बहुत सारा ले आती हूँ. देन माई फ्रेंड सर्कल से कि अंबर क्या लाई हो, तो आई सेल इट ऑल्सो. अब पाकिस्तान से ले जाती है. मैं पाकिस्तान से, मेरे एक्चुअली वेंडर्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं. अच्छा, वो यहाँ बना रहे होते, यहाँ बनाते हैं वो. एंड वो लोग मुझे डीएचएल कर देते हैं. ठीक है. एंड देन आई कम हियर प्रीटी मच एवरी ईयर टू मीट माय वेंडर्स, टू सी व्हाट्स न्यू. प्राइसिंग मुझे सही दे रहे हैं, मटेरियल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. और तो उन्हें सुल्ताना आंटी ने मुझे बोला कि अंबर तुम मेरी बुटीक खरीद लो मुझसे. मैंने कहा अच्छा. कहते इजी काम है, मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम डन. तो वो और जफर अंकल दोनों बैठे होते थे बुटीक में, दोनों को मिलने जाती थी. तो मैंने कहा ठीक है, चलें, आई विल बाय इट फ्रॉम यू. उन्होंने कहा मैनेजेबल होगा बिकॉज इट्स ईजी. और 12 इयर्स बैक वहाँ पर ना, आपको पता है व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. तो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ बुटीक. अब तो बहुत कॉम्पिटिशन वहाँ पर भी हो गया. तो आई बॉट द बुटीक फ्रॉम हर एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो आप डिजाइनिंग खुद करती हैं? डिजाइनिंग मैं खुद करती हूँ, कुछ ऑल्टर करवाती हूँ, कुछ मेरे डिजाइनर्स हैं दे डिजाइन फॉर मी. ठीक है. तो उनको मैं सिलेक्शन भेजते रहते हैं मुझे पिक्चर्स में, कहते हैं ये कर दो, इसके इतने कर दो ना, इस तरह करती हूँ. एक्सेलेंट. खवातीन और हज़रात, वी आर इन कन्वर्सेशन विद अंबर अय्यूब. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं. हमारे साथ हैं अंबर अय्यूब और शेफ मुनीजा. रेसिपी बताएं.
बस रेसिपी बता देते हैं आप लोगों के सामने। हमने सबसे पहले क्या किया था, फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल शामिल करा था आधा कप के करीब। उसके अंदर हमने शामिल करा साबुत गरम मसाला, जिसमें आपने दो से तीन जो है वो काली मिर्चें लेनी है, एक से दो जो है लौंग ले लेने, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची और एक तेज़पत्ता शामिल कीजिएगा, एक टीस्पून जीरा शामिल कीजिएगा। इसको ऑयल में हल्का सा रोस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर एक प्याज जो है बारीक कटी हुई वो शामिल कर देनी है। जब प्याज हल्की सी जो है वो गोल्डन होने लग जाए तो इसके अंदर एक टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। उसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके अंदर साथ साथ आपने कीमा शामिल कर देना है, बीफ मटन चिकन जिसका भी आप लेना चाहे। हमने एक पाव कीमा शामिल किया था उसके अंदर, थोड़ा सा जब वो कुक हो गया तो उसके बाद हमने उसके अंदर दो से तीन टमाटर ब्लेंड किए हुए वो शामिल करे। मसालों में हल्दी जो है हाफ टी स्पून शामिल करी, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून शामिल करी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करा और नमक हसब ज़ायका शामिल करा। इसको हमने थोड़ा सा भूना टमाटर के साथ। उसके अंदर आलू और मटर शामिल कर दिए, एक आलू शामिल किया था क्यूब्स के साथ, 100 ग्राम के करीब हमने मटर के दाने शामिल किए होंगे। इसको ढक दिया, इतना पकाया कि जो है वो आलू हमारे गल गए और जो है वो कीमा थोड़ा सा भुन गया। अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी शामिल करना चाहिए आलू को गलाने के लिए तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट में जब आलू गल गए तो हमने इसके अंदर जो है, क्योंकि कीमा तो बहुत जल्दी आपको पता है पक जाता है, तो हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़का 1 टीस्पून के करीब, नींबू का रस शामिल करा 1 टेबलस्पून के करीब, हरा धनिया हरी मिर्चें काट के शामिल करी और अदरक के साथ इसको गार्निश कर दिया। ज़बरदस्त शबनीजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अंबर, मुझे एक बात बताएं, अभी आप वापस अमेरिका वापस चली जाएंगी, वहाँ जाके फिर ऑफकोर्स आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ हो जाते हैं खाना पकाने में। अच्छा, यू एंजॉय कुकिंग? आई लव कुकिंग। हाँ, आई लव कुकिंग। तो बड़ी गलती होगी, हमें अंबर को किचन में ले जाना चाहिए था। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये थी, यू नो व्हेन आई वेंट टू स्टेट्स, जाहिर सी बात है मतलब आई डिड, हम लोगों का अम्मी माय मदर्स सारी कुकिंग क्लासेस तो करवा देती हैं, बट हम लोग घर में कौन खाना बनाता था। तो जब वहाँ गई मैं, तो आप जैसे आप लोग शोज अब करे सो हेल्पफुल नाउ फॉर द न्यू जनरेशन। तो एट माई टाइम व्हेन आई वेंट देयर तो कोई कुकिंग शोज वगैरह नहीं थे, तो मैं अम्मी को डेली फोन कर रही बिकॉज मेरे हस्बैंड यूज टू कुक, तो उनको तीन खाने आते थे, आलू गोश्त, कीमा मटर आलू और चिकन का सालन। कीमा मटर आलू हमने भी बनाया, वो भी बना और लेकिन रोजाना तीन ये खाने बन रहे होते थे। अच्छा, तो मैंने कहा कढ़ी कहाँ गई, मजेदार चीजें कहाँ गई, आई यूज़ टू कॉल माई मदर एवरी डे, अम्मी जरा हेल्प करें कुछ बताएं मुझे, बिकॉज ये चीजें बनाई तो नहीं थी हमने घर में। और सीखने को जो हम गए थे, वहाँ पर क्लासेस होती थी, इटालियन सीख लिया, चाइनीज सीख लिया और अच्छे जो डिफरेंट किस्म के पाकिस्तानी क्यूजीन वो क्लासेस ले ली। लेकिन अंबर मुझे लगता है पाकिस्तानी खाने से ही सैटिस्फाई होता है। तो एंड आई नीड मजेदार और चीज़ें भी होती ना, सिर्फ ये सिर्फ मीट मीट नहीं होता। तो देन आई यूज़ टू कॉल माय मदर, मम्मी मुझे बताएं, मम्मी एक हमारी जैसे आप कीमा बनाती है, कीमा और काली माश की काली मसर की दाल का पुलाव, फिर वो उनसे रेसिपी जो हम लोग बचपन में ग्रो मुझे जो आपकी इनिशियल यादें जो मेरे जहन में है ना, मुझे याद है मैंने एक दफा अंबर को देखा था ग्लैमर वन, एक बहुत बड़ा यहाँ पे मॉल होता था, फिर मैंने अंबर को एक दफा देखा था राबी सेंटर में शॉपिंग करते हुए, आप थी और आपके साथ कोई दो खवातीन और थी। अब ये मिस नहीं करती अमेरिका में इस तरह जाके शॉपिंग करना? यार ये मिस करती, दैट्स अनदर रीजन मे बी आई वेंट इनटू क्लोथिंग बिजनेस, बिकॉज मेरा पैशन हमेशा से सिंस बिकॉज ऑफ मॉडलिंग मे बी कपड़ों का शौक शुरू से ही था, तो देन आई गॉट इनटू क्लोथिंग, तो आई एम नॉट मिसिंग दैट बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद न्यू फैशन, न्यू डिजाइन, न्यू फैब्रिक्स, तो सारा मेरा इन टच हूँ मैं, तो वहाँ पे भी इसलिए मुझे आई हैव अ गुड वेरी गुड क्लाइंटेल ओवर देयर इन डैलस फॉर दैट रीजन। पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तानी कपड़ों में काम करती हूँ, तो उसमें ये है कि क्लाइंट्स को पता है कि सिंस आई वाज इन मॉडलिंग एंड टीवी रिलेटेड, तो उनको पता है कम से कम शी हैज अ सेंस, तो ये जो भी कपड़े आएंगे अच्छे लेटेस्ट ही होंगे, तो वो मैं इसलिए मिस नहीं कर रही बिकॉज मैं आई कैप्ट माय सेल्फ इन टच विद दैट। अच्छा अंबर, अगर आपको अच्छी ऑफर आती है किसी अच्छे प्ले की, कोई बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट हो, यू नो डूइंग जस्टिस टू यू, आप क्या उसको विल यू टेक इट अप? या डिपेंड्स, अगर थोड़े टाइम के लिए हो ना, आई कैन नॉट, होम इज़ होम, हालांकि पाकिस्तान इज़ आर होम नो डाउट, लेकिन जो इंसान जहाँ रह रहा होता है वो होम बन जाता है। आई बिन देयर फॉर 25 years इन डैलस, तो मुझे वो घर होता है। अगर कोई 2-3 हफ्ते का प्रोजेक्ट हो आई डोंट माइंड डूइंग, 2-3 हफ्ते का हाँ यहाँ ये हो सकता है। है बताएं शबनीजा, आप क्यों नहीं प्रोड्यूस करती है अंबर के लिए? नहीं, मैं जब व्हेन आई वाज लीविंग फॉर अमेरिका, तो मेरे उस जमाने में पुकार एक सीरियल था वो चल रहा था, फिर सुल्ताना सिद्दीकी का वो ये जहाँ एक सीरीज थी उसका एक प्ले था, एंड कराची में तनवीर जमाल का प्ले था साहिल से दूर, वो भी सीरियल था। दो सीरियल्स मैंने जल्दी वाइंड अप किए थे,
बिकॉज़ मुझे हो रहा था कि जाना है वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था कॉलेज। लेकिन अम्बर जब आप जा रही थी एक अजीब सी फीलिंग नहीं थी कि सब कुछ छोड़ के? मैं बड़ी खुश थी। और खुश थी यार उस जमाने में, आप सोचे 20s अर्ली 20s में आप बाहर जा रहे होते ना और परमानेंट मूव हो रहे होते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना। आई थिंक वो एज का भी बहुत फैक्टर होता है कि एक नई दुनिया आपके आपके लिए वेट कर रही है। फ्रीडम, मम्मी को नहीं बोलना है 12 बजे तक क्यों बाहर रहो, यू नो वन ऑफ दोस थिंग्स। एक एंजॉयमेंट सारी शादी के बाद वो वाला खत्म ही हो जाती है टेंशन, खत्म हो जाती थी। लेकिन 12 बजे बिफोर मैरिज, मेरी शादी डैलस में हुई थी। अच्छा अच्छा। तो आई वाज एंगेज्ड, आई वेंट देयर टू स्टडी रेडियो टीवी फिल्म प्रोडक्शन के लिए ना, कि आई वाज प्लानिंग टू कम बैक। तो मैंने कहा 2 साल हमारा मैं प्रोडक्शन का कोर्स करके, एंड आई गॉट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वे, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, इन यूएलआर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिटिल रॉक आर्कसा। तो वो मैंने खत्म किया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का वीजा H1 था, मेरा H4 होना था। तो वो वीजा कन्वर्जन में अगर मैं पाकिस्तान आती और यहाँ पे शादी होती तो 1 साल यहाँ बैठे रहना पड़ता। तो देन आई थॉट कि चलो वहीं पे शादी वुड बी इजियर एंड देन कम हियर एंड डू रिसेप्शन। अच्छा, हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड? माय हस्बैंड एक्चुअली वाज आवर इज आवर नेबर। हमारा घर जैसे डिफेंस में 21st स्ट्रीट पे है, तो 66/1 हमारा है, 66/2 अंसर का है। ठीक है, तो इस तरह मुलाकात लिटरली वो था ना, नेबर से मोहब्बत हो गई, वो खिड़की भी देख उन्हें उन्हें हुई होगी पहले पहले खिड़की भी ऑपोजिट थी मेरे रूम से। अरे खिड़की से हम लोग बात करते थे, आइसक्रीम खानी है, मैंने कहा आइसक्रीम खानी है, वो लेकर आते थे, वो फेंक देते थे बाहर से। अरे वो वाली हम लोगों की। लेकिन सर पहले तो उन्होंने उन्हें ही मोहब्बत हुई होगी पहले। हाँ उनको, मैं उनकी बचपन की मोहब्बत हूँ, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट कहते हैं ना। लेकिन ही यूज्ड टू एक्चुअली ही स्टडीड इन अमेरिका, तो समझ में आते थे पाकिस्तान। अच्छा। आते थे मेरे सारे मैगजीन जितने भी आते थे, पहला मैगजीन वो साइन करके मुझे सुबह ना फर्स्ट थिंग देते थे। तो वो साइन करके आपको देते थे? जी वो आपको साइन करके देते थे? हाँ, नहीं वो नहीं था कि फ्रॉम लव। अच्छा अच्छा अच्छा, हार्ट बना के, यू नो। मेरे ख्याल से भी रोमांस भी खत्म हो गया है ना, वो वाली तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन लेकिन अंबर जब यू नो आप लोग मॉडलिंग कर रहे होते थे तब एक बड़ी लिमिटेशन होती थी, अब आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही हम लोग ओवर हो गए, कुछ ज्यादा एक्सपोजिंग शुरू हो गई है कपड़ों में? नॉट रियली यार, पूरा इंसान रियल चीज़ दिखाए, जो हो रहा है दुनिया में वही दिखा रहे हैं आप लोग। कोई मतलब आई डोंट थिंक कोई चीज़ आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं ना, व्हाट एवर इज हैपनिंग यू नो। क्योंकि जब यू नो व्हेन यू गाइस वर वर्किंग तब बहुत लिमिटेशंस थे। बल्कि मेरा इंतहा सीरियल जो था उसमें वो उस टाइम पे आया था कि सर पे दुपट्टा होना चाहिए। तो लाइक मेरा मैं उसमें मैं दिखाया कि मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स बिकमिंग एक्ट्रेस एंड मॉडल, और मैंने एक कमर्शियल किया था बालों का, तो उसमें खास बोला भाई बालों का कमर्शियल में सर पर दुपट्टा कैसे होगा। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक जमाने में तो कुछ ज्यादा ही लिमिटेशन हो गई है। लेकिन लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया है। हो गया है, ऑफ कोर्स आई थिंक इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी हैं, देन इट्स आई थिंक मीडिया जो होती है वो एक इट्स अ विंडो टू द कंट्री कि आप ये मुल्क कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव है, एजुकेटेड है, रिलैक्स्ड है इन देयर अप्रोच ओवरऑल। आई थिंक सोसाइटी के लिए अच्छा है, बिकॉज़ थोड़ा रिलैक्स देखेंगे तो लोग भी पब्लिक भी थोड़ी रिलैक्स होगी। क्योंकि आप देखिए इंटरनेट पे और यूट्यूब वगैरह पे और इंटरनेशनल जो आप चैनल्स पे तो सब कुछ ही आप देख रहे होते हैं ज़्यादातर। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जहाँ तक ड्रामा इंडस्ट्री की बात है, वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रेट सीरियल्स, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अंबर हम यही चाहेंगे कि आप प्लीज़ यू मस्ट मेक अ कम बैक, यू आप इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। एंड थैंक यू सो मच दैट यू केम टू द शो, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। एब्सोल्युटली माय प्लेजर। थैंक यू सो मच शेफ मुनीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बनाऊंगी डेफिनेटली, बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।